सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा, 11th का चैप्टर है, आप केमिस्ट्री का 11th का पहला चैप्टर है, उसमें एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रण का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर हो। क्वेश्चन एक बार पुनः सुनेंगे आप, नाइट्रिक एसिड के उस प्रतिदर्श बोलते हैं नमूना, सैंपल को बोलते हैं, का मोल प्रति लीटर में सांद्रण ज्ञात करना है। तो मोल प्रति लीटर में जो सांद्रण होता है उसको मोलरता कहते हैं, मोलरता ज्ञात करना है, कैपिटल एम ज्ञात करना है और ज्ञात करना है, परिकलन करना है, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया है 69%। तो 69% दिया है नाइट्रिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत और उसका घनत्व दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका 69% जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, इसका मतलब हुआ कि 69 ग्राम HNO3 मौजूद है 69 द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब कि 69 ग्राम HNO3 मौजूद होगा विलयन के 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में। तो HNO3 की मात्रा दिया हुआ है, HNO3 की मात्रा दिया है 69 ग्राम, HNO3 का आणविक द्रव्यमान, HNO3 का आणविक द्रव्यमान ये हो जाएगा 1+14+48, तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल, एक मोल का 63 ग्राम आणविक द्रव्यमान। इस तरह से HNO3 जो विलेय है के मोल की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान, मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान, मात्रा है 69 ग्राम और आणविक द्रव्यमान है 63 ग्राम पर मोल। तो यहां से कैलकुलेट करने पर हम लोगों को मिलेगा 1.095 मोल। इस HNO3 के मोल की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया, अब HNO3 के मोल की संख्या हम लोगों ने निकाला, अब देखिए विलयन का आयतन निकाल कर देखते हैं, क्योंकि घनत्व दिया हुआ है तो विलयन का आयतन निकल जाएगा। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर होता है मास बाय डेंसिटी, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान है 100 ग्राम, घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.41 ग्राम प्रति ml, तो यहां से आपका जो भाग देंगे तो आएगा 70.92 मिलीलीटर। विलयन का आयतन मिल गया हम लोगों को, द्रव्यमान में घनत्व से भाग देंगे विलयन का आयतन निकला। अब फाइनल काम करना है, क्या मोल प्रति लीटर में सांद्रण, मोल प्रति लीटर में सांद्रण, इसी को कहते हैं हम लोग मोलरता यानी कैपिटल एम। तो ये होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय यानी HNO3 के मोल की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन चूंकि आयतन दिया है मिलीलीटर में इसलिए आयतन मिलीलीटर में दिया है इसलिए हम लोग 1.095 गुना 1000 से गुना कर दे रहे हैं, चूंकि आयतन दिया हुआ है मिलीलीटर में, कितना निकला है 70.92। इस तरह फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो 15.44 मोल प्रति लीटर ये आपका विलयन का सांद्रण आएगा।
15.44 मोल प्रति लीटर। इस HNO3 के विलयन का सांद्रण मिला, तो ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।